अगर इन मुस्लिम छात्राओं की हिजाब पहनने की मांग को आज मान लिया जाता है तो भविष्य में फिर और क्या क्या हो सकता है। इसके बाद स्कूलों में नमाज पढ़ने की मांग शुरू हो जाएगी। अगर इस मांग को भी मान लिया गया तो फिर क्या होगा? फिर ये मुस्लिम छात्र स्कूलों में नमाज पढ़ने के लिए अलग से जगह देने की मांग करेंगे और नमाज के दौरान क्लास और पढ़ाई से छूट मांगी जाएगी। अगर ये भी हो गया तो फिर रविवार की जगह शायद शुक्रवार को जुम्मे के नमाज के दिन छुट्टी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कहा जाएगा कि फिर स्कूलों में शनिवार और रविवार की ही छुट्टी क्यों हो, शुक्रवार को होनी चाहिए। और यह सिलसिला रुकेगा नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। स्कूलों में अप्रैल और मई के महीने की जगह रमजान के महीनों में छुट्टियां देने के लिए शायद मांग उठने लगेगी। कॉलेज की कैंटीन्स में अलग से हलाल काउंटर लगाने की मांग होगी। पाठ्यक्रम से अलग अलग भगवानों के नाम हटाने की मांग होगी। इसलिए यह मत सोचिए कि यह मामला हिजाब की मांग को मान लेने से समाप्त हो जाएगा।